ये देखिए, आज मैं बनाने जा रही हूँ एग राइस। तो मैंने एग, 4 अंडे लिए हैं और मैंने इसे बॉईल कर दिया है। टमाटर भी कट करके रखा है और प्याज भी मैंने कट किया है, और ये है हरी मिर्च जो मैंने अच्छी तरह से सबको कटिंग कर लिया है। अब मैं गैस पे रख दिया है मैंने कुकर को, ये गर्म हो रहा है। ये देखिए, मेरा कुकर गर्म हो गया है तो मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। ये कुकिंग ऑयल मेरा गर्म हो रहा है और मैंने इसमें थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर, क्योंकि मुझे अंडे फ्राई करने हैं इसलिए। तो ये देखिए, अब मैंने अंडा डाल दिया है, 4 अंडे मैंने डाल दिया है और मैं इसे अच्छी तरह से लाल होने तक फ्राई करूंगी। ये देखिए, मैं अच्छी तरह से इसे घुमा देती हूँ ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए, ये फ्राई हो गया अच्छी तरह से और अब मैं इसे निकाल लूँगी। मैंने एक प्लेट में इसे निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। और अब मैंने ऐड किया है इसमें सूखा लाल मिर्च और मैंने पचफोड़ना यूज़ किया है। ये पचफोड़ना आधा चम्मच मैंने लिया हुआ है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। मैंने हरी मिर्च डाल दिया है जो मैंने कट करके रखा हुआ था और मैं इसे अच्छी तरह से लाल होने दूंगी। और मैंने अब प्याज भी ऐड कर दिया है। प्याज को हम अच्छी तरह से लाल होने तक इसे कुक करेंगे। मैं इसे अच्छी तरह से चला लेती हूँ। ये देखिए, आप अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, ये मेरा लाल हो रहा है प्याज और ये अच्छी तरह से लाल हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। ये देखिए, लाल हो चुका है और मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया है जो मैंने कट करके रखा है। अब मैं इसे अच्छी तरह से टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करूंगी इसके साथ, प्याज के साथ, और इसे थोड़ा सा गलने दूंगी। ये देखिए, मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, ये है नमक। थोड़ा सा और ऐड करूँगी मैं, क्योंकि मुझे चावल भी ऐड करना है बाद में। तो मैंने 1.5 चम्मच लिया है नमक और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। नमक को डालते ही टमाटर जल्दी गल जाता है। ये देखिए, अच्छी तरह से मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखिए, मेरा टमाटर ऑलमोस्ट ये कुक हो चुका है। थोड़ा देर और हम इसे कुक करेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी। थोड़ा सा और डालूंगी, कम लग रहा है मुझे, तो मैंने 1.5 चम्मच लिया हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, ये मैं 1.5 चम्मच ये भी लिया है मैंने। और आप चाहें तो थोड़ा भी ले सकते हैं, स्पाइसी बनाना है तो थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पाउडर, ये भी मैंने 1.5 चम्मच ही लिया हुआ है। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी।
मसाले को हम अच्छी तरह से कुक करेंगे, क्योंकि आप मसाला जितना अच्छे से फ्राई करेंगे उसका स्वाद बढ़ जाता है और वो अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि मेरा मसाला जले ना अंदर से, इसीलिए तो मैं थोड़ा सा पानी मैंने डाला हुआ है और मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मसाले को हम अच्छी तरह से पकाएंगे और ये मैंने पानी जो डाला हुआ है ये भी सोख लेगा। ये देखिए सोख ही लिया है थोड़ा और है, और मेरा टमाटर पूरी तरह से गल गया है। ये देखिए अब परफेक्ट हो गया है ग्रेवी के लिए तैयार। थोड़ा देर और हम इसे पकाएंगे। ये देखिए अब ये अच्छी तरह से पक के तैयार हो गया है ये मेरा मसाला, ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसमें डालूंगी चावल। ये देखिए मैंने चावल लिया है, ये एक गिलास है, और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। पहले मुझे मिक्स करने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मुझे चलाना पड़ रहा है इसीलिए, बट कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी मैं ली हुई हूँ 1.5 गिलास, ये देखिए। और अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दी हूँ और अब हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे अंडा। ये देखिए मैंने जो अंडा फ्राई किया था मैंने इसमें डाल दिया है और हम कुकर को करेंगे इस टाइम पे बंद। मैं इसे 4 सीटी आने तक पकाऊंगी। ये देखिए मेरा कुकर तैयार हो गया है, सीटी मार दिया है, अभी मैं इसे बंद कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसे ओपन कर दी हूँ। तो ये देखिए लुक क्या लग रहा है ना, एग राइस, मसालेदार एग राइस, वाव यम्मी। ये देख सकते हैं आप, परफेक्ट लग रहा है लुक। ये देखिए मैं सर्व कर ली हूँ एक प्लेट में और बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तो खाने में कितना बढ़िया लगेगा। तो ये देखिए मैंने सलाद भी कट करके रखा हुआ है। गाइस मेरी अगर ये वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और मेरे इस वीडियो को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।